रॉन्ग टर्न एक ऐसी कहानी है जिसमें इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जिसमें कुछ पढ़ने वाले बच्चे छुट्टी के दिन एक जगह बैठे हुए रहते हैं और उन्हीं में से कोई एक लड़का है जो उसने कल रात को अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हुए सुना था। अधूरा कहानी रहता है क्योंकि जब वो लोग इसके बारे में जब बात करना चाह रहे थे अपने पेरेंट्स से तो उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया। कहानी ये होता है, उसके पेरेंट्स आपस में बात ये कर रहे थे कि इस गांव में भी एक ऐसा हॉन्टेड प्लेस है। जहां पे लोग रात में तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, लेकिन दिन में भी लोग जो गाय भैंस चराने वाले लोग भी होते हैं जो उस जगह के छोड़ करके ही लोग चराने का काम करते हैं। उसमें किसी का साया है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, और इतना ही नहीं, वहां पे जो भी उस जगह पे पैर रखता है तो कभी वापस नहीं लौटता है। तो ये कहानी एक लड़का चोरी छिपके सुन लेता है और यही चीज वो अपने पेरेंट्स से जब बोलता है, इंसिस्ट करता है कि हमको इसको बताइए इसके बारे में, तो उसके पेरेंट्स किसी तरह से टालते हुए उसको टाल देते हैं, ठीक है, और वो उसको नहीं बताते हैं। यही चर्चा वो अपने दोस्तों के बीच करता है। और तुम लोग जानते हो कि कल हम जब सोने जा रहे थे खाना के बाद, तो मम्मी पापा आपस में कुछ बात कर रहे थे। यह बात कर रहे थे कि हमारे गांव के 2 किलोमीटर आगे कोई एक वीरान जगह है जिस जगह पे हम लोग को जाने के लिए मना कर रहे थे। जब मैं पापा से जाकर पूछा पापा उस जगह पे क्या है, तो उन्होंने यह कह कर टाल डाला कि रात काफ़ी हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ, तुम्हें इन सब से क्या मतलब। जब यही दोस्त लोग अचानक बोलते हैं कि चलो अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग भी पता लगाने का कोशिश करते हैं, और वहीं से हमारा सफर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे जाते हैं तो कैसे कैसे क्या घटना घटता है। ठीक है, दैट्स ऑल।
Thank you.